नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। यहाँ पर 5 राज्यों के चुनाव हुए, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर उन्होंने कर्नाटक में जो परफॉर्मेंस दिया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आड़े आएगा और बीजेपी यहाँ पर अपनी सत्ता मध्य प्रदेश में भी गवा देगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाला फैसला सामने आता है। यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश तो वापस बीजेपी जीत लेती है, साथ ही साथ राजस्थान भी जीत मारती है और छत्तीसगढ़, जहाँ पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर भी बीजेपी झंडे गाड़ देती है। और उसके बाद एक बड़ा जो है चिंता का विषय बीजेपी के सामने आ जाता है कि आखिर CM यहाँ पर किसको बनाया जाए, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव की घोषणा होते ही कहा था कि कोई CM चेहरा नहीं होगा, ये सारा जो चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर लड़ा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व प्रमोशन करता हुआ नजर आएगा, और वही हमको दिखा। लेकिन बात यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की हो रही है, जिसमें बीजेपी के बड़े नेता हैं जो यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति को अपने चेहरे से यानी अपने वर्चस्व से पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर बात हम वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की कर रहे हैं। जैसे ही उनका CM पद यहाँ पर गया, उम्मीद ही तो यही थी कि उनको ही यहाँ पर CM पद मिलेगा, लेकिन उनको यहाँ पर CM पद नहीं मिला। उसके बाद उनके विधायक समेत जो लोग उनको चाहने वाले थे, यानी पूरे राज्य में यहाँ पर लोगों के चेहरे पर एक सिकन आ गई। लोग लगातार यहाँ पर अपने मन पसंदीदा नेताओं की चिंता करने लगे कि आखिर उनका क्या होगा। यहाँ पर महिला शिवराज सिंह चौहान के लिए रोती हुई नजर आई। यहाँ पर हमने देखा कि वसुंधरा के लिए उनके विधायक लगातार कह लीजिए दिल्ली में आलाकमान से लड़ते हुए नजर आए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पर CM दो नए चेहरे बन गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि लोकसभा से बड़ा ऑफर यहाँ पर आ सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको फ़ोन कर लोकसभा में इन्वाइट करेंगे कि आइए 2024 का चुनाव लड़िए, क्योंकि JP नड्डा ने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया और कहा है कि भविष्य में हम उनके लिए कुछ सोच रहे हैं और इन दो वरिष्ठ नेताओं को हम ऐसे ही नहीं रहने देंगे। तो क्या बड़ी खुशखबरी यहां पर मिल सकती है? यह बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर बना हुआ है और देखा जाए तो आगे जाके कहीं ना कहीं इस पर पूरी अपडेट मिलेगी, क्योंकि सारी तहरीर 2024 के हिसाब से देखी जा रही है। जो ये CM चुने गए हैं, ये भी 2024 में वोट साधने के लिए चुने गए हैं और इन नेताओं को भी कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी अच्छा खासा मार्जिन देती हुई नजर आएगी और इनके वोट बैंक को अपने लोकसभा में जो है विभाजित करती हुई नजर आएगी। तो देखना होगा कि 2024 में क्या तस्वीरें सामने आती हैं, शिवराज और वसुंधरा को यहां पर क्या बड़ी कमान मिलती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।